सब्सक्राइब करें राजन गुप्ता टेक चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फास्टनर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो बोल्ट होता है उस पे लिखे नंबर्स का क्या मतलब होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने फोर्स पे जाके हमारा जो बोल्ट होता है वो ब्रेक होगा। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल किन किन ग्रेड में आता है एज़ पर ISO स्टैंडर्ड, और उसमें हार्डनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, HRB में कितनी रिक्वायरमेंट है, HRC में कितनी रिक्वायरमेंट है और HV में कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बना लिए। इसमें पहले में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे में लिखेंगे मटेरियल, तीसरे में लिखेंगे ग्रेड, चौथे में लिखेंगे कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, और पांचवे में लिखेंगे हार्डनेस की क्या रिक्वायरमेंट है किस किस ग्रेड में। तो हमारा पहले नंबर पे जो आएगा वो ऐसे ही 1010 मटेरियल आएगा। ये 4.8 ग्रेड में आता है और इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.08 से लेके 0.13%, और इसमें हार्डनेस की रिक्वायरमेंट 60 HRB होती है। इसको अगर हम HV में लिखते हैं तो ये 108 HV हो जाएगा। ये लो कार्बन स्टील होता है। और सेकंड नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा SAE 1015, ये भी 4.8 ग्रेड में आता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 0.13 से लेके 0.18% तक होता है, और इसमें जो हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है 64 HRB होता है, और इसको अगर HV में लिखें तो 115 HV होता है। ये भी जो हमारा है लो कार्बन स्टील होता है। अब हम तीसरा जो मटेरियल है उसे देखते हैं, SAE 1018, ये 5.6 और 6.8 ग्रेड दोनों में आता है। इसकी जो कार्बन की परसेंटेज होती है ये 0.15 से लेके 0.2% होती है, और इसमें जो HRB हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है वो 71 HRB होती है। अगर इसे HV में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 131 HV। चौथा मटेरियल है हमारा SAE 1022, ये भी सेम ग्रेड में आएगा, 5.6 एंड 6.8 ग्रेड में आएगा। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.17 से 0.23% तक होती है, और इसमें जो हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है वो 80 HRB होती है और इसे अगर हम HV में कन्वर्ट करते हैं तो ये 155 होगा, 155 HV। तो जैसे जैसे हमारे मटेरियल का ये ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन भी बढ़ेंगे और वैसे वैसे ये हार्डनेस भी बढ़ेंगी। तो अब पांचवें नंबर पे जो हमारा मटेरियल है वो SAE 10B21 है। ये जो मटेरियल है ये बोरॉन का मटेरियल होता है, इसमें हार्डनेस रिक्वायर्ड होता है, हार्डिंग प्रोसेस इसमें करते हैं। ये 8.8 ग्रेड में आता है
इसमें कार्बन 0.18 से लेके 0.23% तक होता है, और इसकी हार्डनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 22 से 32 HRC होती है। ये ध्यान रखना है, ये HRB आ रहा था, ये HRB में रिक्वायरमेंट होती है, ये HRB में, ये 22 से 32 HRC आ गया। अगर 22 से 32 HRC को अगर हम HV में कन्वर्ट करते हैं तो ये 250 से 320 HV होगा। अगला जो मटेरियल है छठे नंबर पे, वो ऐसे ही 15B25 है, 15B25, ये भी 8.8 ग्रेड में आता है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.23 से लेके 0.28% तक होता है, और इसमें जो हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है वो 23 से 34 HRC होता है, HRC। अगर इसे हम HV में कन्वर्ट करते हैं तो ये 255 से हो जाएगा, 255 से 335 HV। अगला जो हमारा मटेरियल है वो है 7, 8, 9, 10, ये है 15B41, 15B41 ऐसे ही 41, 35 SCM 435 ऐसे ही 40, 37। ये जो हमारे चारों मटेरियल हैं ये 10.9 ग्रेड में आते हैं, 10.9 ग्रेड में, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.33 से लेके 0.40% तक होती है, और इसमें जो हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो 32 से लेके 32 से 39 HRC होती है, HRC। अगर हम इसे HV में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 320 से लेके 380 HV। अगला जो हमारा मटेरियल है वो है ऐसे ही 41, 40, ऐसे ही 41, 40, ये जो मटेरियल है ऐसे ही 41, 40, ये 12.9 ग्रेड में आता है, 12.9 ग्रेड में, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.38 से लेके 0.43% तक होती है, और इसमें हार्डनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो 39 से 44 HRC होती है, HRC। इसमें इसे अगर हम HV में कन्वर्ट करते हैं तो ये 385 से 435 तक होता है। और अगला जो हमारा मटेरियल है वो है ENAD, ENAD है, ये भी 12.9 ग्रेड में ही आता है, 12.9 ग्रेड में आता है, और इसमें भी जो कार्बन की परसेंटेज होती है ये 0.38 से लेके 0.43% तक होती है, और इसमें भी हार्डनेस की रिक्वायरमेंट सेम है, 39 से 44 HRC, और इसे अगर HV में कन्वर्ट करते हैं 385 से लेके 435 HV होगा। तो ये दोनों भी हमारे, ये दोनों जो हैं सेम ग्रेड में आते हैं, 12.9 में, कार्बन की परसेंटेज सेम होती है और हार्डनेस की रिक्वायरमेंट भी सेम होती है। तो ये 12 मटेरियल थे जिनके मैंने ग्रेड बता दिए, कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है और हार्डनेस कितनी होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।